वह क्या बात है शेषन, लगातार अनवरत 1200 दिन की ओर बढ़ रहा है। चौथे साल में प्रवेश कर गया, जिसके सभी साधकगण जो झूम के माध्यम से जुड़े, जो फेसबुक के माध्यम से जुड़े हैं, सभी का आज के सेशन में बहुत बहुत स्वागत तथा सभी को जय जिनेन, जय जिनेन, जय जिनेन्द्र। हम भक्ति हमने की है, अब भक्ति के बाद हम स्वाध्याय की ओर चल रहे हैं। शारीरिक मानसिक स्वस्थता के बाद आध्यात्मिक स्वस्थता, आत्मा के भोजन की ओर, शरीर को हम निरंतर खिलाते पिलाते रहते हैं, लेकिन सुबह एक बार हम यदि अपने आत्मा को भी भोजन दे दे तो सारे दिन हमारी आत्मा चार्ज रहेंगी। तो हम चल रहे हैं तत्वाल सूत्र ग्रंथ की ओर, जिसमें हमारा छठा अध्याय आज से प्रारंभ हो रहा है। 5 अध्याय हमारे पूर्ण हुए। पहले 4 अध्याय में हमने जीव तत्व को जाना, 5वें में अजीव तत्वों को जाना, अब 6ठे में दोनों की मिली जुली सरकार चलने वाली है, जीव और अजीव की, और दोनों मिलके क्या क्या करते हैं ये हम 6ठे अध्याय में देखेंगे। 6ठा हुआ अध्याय है कहते हैं इसको सभी गुरुजन हमारे, इसलिए हमें इसे अच्छे से और ध्यान से समझना होगा। चलेंगे मंगलाचरण की ओर। बोलिए देवादिदेव आदिनाथ भगवान की जय, जय जय। ग्रंथादिराज ग्रंथ उमा स्वामी द्वारा विरचित तत्वार सूत्र मोक्ष शास्त्र ग्रंथ की जय, जय जय। मोक्ष मार्गस्य नेतारम भेत्तारं कर्म भूभूतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वंदे तद्गुणलब्धे, वंदे तद्गुणलब्धे। बोलिए आचार्य उमा स्वामी महाराज की जय। आचार्य गुरुवर परम पूज्य 108 साक्षात डोंगरमन में विराजमान विद्यासागर जी महाराज की जय, जय जय। समस्त साधु संघ की जय। सभी की आहारचर्या सानंद संपन्न हो, सभी का चातुर्मास सानंद संपन्न हो, इसी भावों के साथ हम आगे चल रहे हैं हमारा 6ठा अध्याय तत्वाल सूत्र आचार्य उमा स्वामी द्वारा योगी रचित। यहां बात आ गई है किस चीज की, आश्रय की। पढ़ लेंगे हम पहला सूत्र, आश्रय क्यों होता है का। काय वांग मन कर्म योग, काय वांग मन कर्म योग, काय वांग मन कर्म योग। पढ़िए दीपा जी। काय वांग मन कर्म योग। ठीक। काय वांग मन कर्म योग। पढ़ेंगे अब हम काय वांग मन कर्म योग, काय वांग मन कर्म योग। यहाँ पर हमें पहले आश्रयों को समझना होगा। यहाँ पे पूछ रहे कि आश्रय क्यों होता है, तो संधि विच्छेद हो रहा है, काय प्लस वांग प्लस मन प्लस कर्म प्लस योग शब्दार्थ। काय यानि शरीर, वांग यानि वचन, मन यानि मणि की, कर्म यानि क्रिया, योग यानि योग है। काय वचन और मन की क्रिया योग है। अब यहाँ आचार्य उमा स्वामी ने काय वांग मन कर्म योगा कह दिया। वैसे साधारण से हम जब कहते हैं, बात करते, तो हम लोग क्या कहते हैं, मन वचन काय की एकाग्रता, ऐसा कहते हैं।
लेकिन यह काय को पहले ले लिया, काय वांग मन कर्म हो गया, फिर वचन और फिर मन, क्योंकि काया है तो ही शरीर है, तो वचन है और मन भी है। तो आचार्य उमा स्वामी ने सूत्र में पहले काय को ले लिया। अब काय यानी क्या, योग यानी क्या, मन यानी वचन यानी, ये सबको मिला के योग बन रहा है। तीन चीज मिला के काय वांग और मन, काय वचन और मन को मिला के योग बन रहा है। अब ये योग क्या है हमें ये समझना होगा। जो मन वचन और काय के कारण हमारी आत्मा में जो परिस्पंदन होता है, परिस्पंदन यानी जो हलन चलन होती है, उसको योग कहते हैं। सिंपल परिभाषा है, क्योंकि हलन चलन कब होंगी, शरीर हलेगा, मन हलेगा या वचन हिलेंगे यानी बोलेंगे, तो ही हलन चलन होगी ना। तो जो आत्मा में इस परिस्पंदन होगा काय मन और वचन के माध्यम से, उसे योग कहते हैं। सीधी सिंपल परिभाषा, काय वचन और मन की क्रिया को योग कहते हैं। आप लोग ये बिल्कुल फिट कर लीजिए अपने अंदर, मन वचन काय हम बोलते हैं, लेकिन यह काय वांग लिया है तो काय वचन और मन की क्रिया को योग कहते हैं, या आत्मा में जो परिस्पंदन हलन होता है। वास्तव में तो आत्मा के प्रदेशों में जो हलन चलन होती है उसी का नाम योग है, और योग यानी परिस्पंदन, योग यानी परिस्पंदन। वो या तो शरीर के निमित्त से होगा, या वचन के निमित्त से होगा, या मन के निमित्त से होगा। परिस्पंदन हलन चलन शरीर के निमित्त से होगा, मन के निमित्त से होगा, या वचन के निमित्त से होगा। इसलिए निमित्त के भेद से योग के तीन भेद कह दिए, काय वचन और मन। निमित्त के भेद से काय योग और वचन। अब जिस प्रकार वायु से, जिस प्रकार वायु से तालाब के पानी में तरंगे उठती है, बताए ना आपको, हवा चलेगी तो तालाब में पानी है, समुद्र में पानी है, तो लहरें उठेंगी, तरंगे उठेंगी। हवा की तेजी से तरंगे तेज उठेंगी, हवा तेज है तो तरंगे कैसे तेज उठेंगी, हवा यदि धीमी है तो तरंगे धीमी उठेंगी, यानी मंदता से मंद तरंगे उठती है। उसी प्रकार योगी के तीव्र चपलता, तीव्र रहेंगी हमारी चपलता तो आत्म प्रदेशों में तीव्र हलचलन होंगी, और योग के मंद चलने से यदि हमारे मंद रहेंगे आत्म प्रदेशों में, मंदता रहेंगी तो हलन चलन भी मंद होंगी। यही योग ही आत्म प्रदेशों में हलन चलन में कारण है, और प्रत्येक योग को होने में अंतरंग बहिरंग दो प्रकार के कारण होते हैं। अब निमित्त के माध्यम से हमने तीन प्रकार देखे, काय वचन और मन। अब ये तीनों की परिभाषा क्या हो गई, काय योग यानी क्या, काय के निमित्त से आत्मा के प्रदेशों में जो हलन चलन होती है उसे काय योग कहते हैं। आप समझ रहे होंगे, बहुत सरल परिभाषा, सरल माध्यम से मैं समझा रही हूँ। काय के निमित्त से आत्म प्रदेशों में जो हलन चलन होती है वो उसे काय योग कहते हैं। दूसरी बात, वचन योग। वचन के निमित्त से आत्म प्रदेशों में जो हलन चलन परिस्पंदन होता है उसे वचन योग कहते हैं। तीसरी बात, मनोयोग। मन के निमित्त से आत्म प्रदेशों में जो हलन चलन होती है उसे मनोयोग कहते हैं। तीनों की बात हमने समझ ली, और निमित्त से ही तीनों योग के भेद है, काय वांग और मन। अब इनके भी भेद है, इनके भेद को भी आप थोड़ा समझ लीजिए। काय योग, वचन योग और मनोयोग, तीनों के भेद है। काय योग के चार भेद कौन से, सॉरी पहले अपन लेंगे काय योग के तो सात है, वांग वचन और मन इनके चार चार भेद है, मन के चार और वचन के चार भेद, इनको पहले हम लेते हैं।
मनोयोग, मनोयोग के सत्य मनोयोग, असत्य मनोयोग, उभय मनोयोग, अनुभय मनोयोग। अब आपको उभय और अनुभय दो शब्द थोड़े नए लग रहे होंगे। तो उभय यानी क्या? जो सत्य और असत्य दोनों की हमने यहाँ बात की, सत्य मनोयोग और असत्य मनोयोग, दो जो बात हमने की, तो दोनों दोनों भी जैसे एक प्रकार से मान लो कि उभय यानी दोनों भी है पर उसको नहीं है के समान, यानी कुछ भी होगा उसके बुद्धि पर्वक उसका विचार नहीं करना, उसको जानने की कोशिश नहीं करना, उभय योग, हाँ जाने दो, होगा कुछ भी होगा, इस प्रकार से उभय योग हो गया। और अनुभय योग यानी जो नौ कर्म आदि ग्रहण करने की शक्ति है वो अनुभय योग हो गया, अनुभय मनोयोग हो गया। मनोयोग के चार भेद हमने देखे। अब वांग्मय के, वांग यानी वचन, वचन योग के चार भेद, सत्य वचन योग, असत्य वचन योग, उभय वचन योग, अनुभय वचन योग, ये चार भेद वचन योग के हो गए। चार मनोयोग के देखे आपने और चार वचन योग के भेद आपने देखे। अब बचता है काय योग। तो काय योग के भेद सात है, औदारिक काय योग और औदारिक, एक औदारिक काय योग, दूसरा मिश्र काय योग और तीसरा औदारिक मिश्र काय योग और वैकेरियक काय योग, वैकेरियक मिश्र काय योग और आहारक मिश्र काय योग और कार्मन काय योग। फिर से देख ले, औदारिक काय योग, मिश्र काय योग, वैकेरियक काय योग, वैकेरियक मिश्र काय योग, आहारक काय योग, आहारक मिश्र काय योग, कार्मन काय योग। जो पांच हमारे शरीर है ना, औदारिक, वैकेरियक, आहारक, तेजस, कार्मन, है ना पांच शरीर, उसी के यहाँ पर बताया गया है काय योग। औदारिक शरीर का जो है औदारिक काय योग और मिश्र काय योग, वैकेरियक काय योग, वैकारिक, वैकेरियक मिश्र काय योग, वैकेरियक और आहारक काय योग, आहारक मिश्र काय योग और कार्मन काय योग, ये सात प्रकार के योग है। चार प्रकार के मनोयोग, चार प्रकार के वचन योग और सात, ये कितने हो गए? आठ और सात पंद्रह। तो इनके भेद कितने हो गए योग के? मेन तीन और उसके और भेद करे तो पंद्रह। पंद्रह प्रकार के योग होते हैं। अब यहाँ पर बात है आश्रव क्यों होता है, तो हमें पहले ये समझना होगा कि आश्रव यानी क्या, आश्रव यानी क्या। तो जीव और अजीव का हमने पहले पढ़ा है, चार अध्याय में जीव पढ़ा, पांचवें अध्याय में अजीव पढ़ा। अब इन दोनों की मिली जुली सरकार का यहाँ आना जाना शुरू हो गया। दोनों के संयोग से, जीव और अजीव के संयोग से जो कर्मों का आना होता है या जो क्रिया होती है वो ही आश्रव है। जैसे कुएं में छोटे छोटे झीरे रहते हैं और वहां से वो पानी आते रहता है, इसी और वो कुएं में जमा होता है। इसी प्रकार से हमारे भी मन वचन काय की योग से जो भी चीजें आ रही है, जो हलन चलन परिस्पंदन हो रहा है और वो आत्मा से बंध रहा है, तो जो आना हो रहा है वो आश्रव है और जो आत्मा में रुक जा रहा है वो बंद हो गया। बारह भावना में हम पढ़ते हैं, जो सर जल आवत मोरी तो आश्रव कर्मणि को, दर्वित जीव प्रदेश गए जब पुद्गल भरमणि को। हमने कई बार नाव का उदाहरण भी दिया है, नाव में छेद हो गया, पानी जो छेद हुआ है उसमें से जो पानी आ रहा है वो ही आश्रव है। हमने बहुत बार आपको ये बताया है, वो कर्मों का आना हो गया, आश्रव यानी कर्मों का आना।
और जो हमने योग पढ़ा था, तो योग के भी दो भेद, योग के बारे में और बताना रह गया था कि भाव योग और द्रव्य योग, दो प्रकार के योग होते हैं। भाव योग यानी कर्म नौ कर्म के ग्रहण करने में निमित्त रूप आत्मा की शक्ति विशेष को भाव योग कहते हैं, जो भावों से होता है ग्रहण करने में। और भाव योग के कारण ही, भाव योग की शक्ति के कारण ही आत्मा में जो हलन चलन होती, स्पंदन होता है, वो द्रव्य योग हो गया। कठिन तो नहीं लग रहा है, थोड़ा कठिन भी होगा तो उसको सरल सरल है सरल है सरल है, इस प्रकार के विचार लाइए तो आपको सरल लगेगा। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर योग और आश्रव को समझा हमने। अब इसको थोड़ा और हम समझेंगे आश्रव का कैसा है। छठा अध्याय, छठा हुआ अध्याय, इसको अच्छी तरह समझना चाहिए, इसलिए हमने थोड़ा आश्रव भी समझा दिया और पूरे काय मन वचन की परिभाषा, उसके भेद, ये सारी चीजें आपको पहले बता दी। अपने जीवन में उतारने के लिए यह बहुत अच्छा अध्याय है। हमारा जो आत्मा है संसार भ्रमण क्यों कर रहा है, क्यों कर रहा है, क्यों, इसका कारण ही यह है। ये पहला सूत्र, हमारा आत्मा संसार में परिभ्रमण क्यों कर रहा है, इसका पहला कोई कारण है, तो छठवे अध्याय का पहला सूत्र। आश्रव बंध के कारण जो कर्मों का आश्रव हो रहा है, उसके कारण ही हम संसार परिभ्रमण कर रहे हैं। और उस आश्रव में हमने डांट लगा दी, वो भी आता है 12 भावना में, जो मोरी में डांट लगावे तब जल रुक जाता, तो आश्रव को रोके संवर क्यों नहीं मन लाता। यदि हमने आते हुए पानी को रोक दिए यानी आश्रव में रुकावट डाल दी, तो हमारी आत्मा तो क्या हो जाएंगी, हमारी आत्मा पवित्र हो जाएंगी, हमारी आत्मा। यदि हमने आश्रव का ही द्वार बंद कर दिए, हमने कर्मों का आना ही रोक दिया, तो फिर तो कोई बात ही नहीं है, हमारी आत्मा तो एकदम पवित्र हो गई, शुद्ध हो गई, है ना, हमारी आत्मा पवित्र हो गई, शुद्ध हो गई। तो इस प्रकार से हम यहाँ आश्रव को और योग को यहाँ शरीर समझ रहे हैं कि जो शरीर के मन के और वचन की क्रिया से आत्म प्रदेशों में जो हलचल परिस्पंदन हो रहा है वो ही योग है। मन के कारण ही आत्मा में परिस्पंदन हो रहा है तो मनोयोग, वचन के कारण हो रहा वचन योग, काय के कारण हो रहा काय योग। अब सामान्य से योग के 3 भेद और फिर 15 भेद, इतने समझने के बाद इसको थोड़ा विस्तार से हम समझेंगे कि हमारे पास वर्तमान में कितने योग है, हमारे पास वर्तमान में कितने योग है। मन के चारों योग है, सत्य मनोयोग, असत्य मनोयोग, उभय मनोयोग, अनुभय मनोयोग। वचन के, वांग के, सत्य वचन योग, असत्य वचन योग, उभय वचन योग, अनुभय वचन योग, चारों चारों 8 हो गए। काय में से एक रहेगा औदारिक काय योग, हमारा शरीर औदारिक शरीर है, तो 9, कुल 9 योग हमारे पास है। लेकिन यहां समझिए, थोड़ा समझने का विषय है, लेकिन 9 योग होने के बाद भी हम एक समय में एक ही योग होता है, हमारा एक समय में योग की होती, कैसे होता है ये पढ़ने के बाद मुझे बचपन की, बहुत छोटी थी जबकि बात मुझे याद आई, हमारे बड़े पापा प्रिंसिपल थे स्कूल के, तो हम लोग एक बार पिक्चर देखने की बहुत मनाई थी, लेकिन एक हाथी मेरे साथी पिक्चर आई थी उस समय छोटी, तो हम देखने गए, सर्कस थी वो, देख के आए तो हमारे बड़े फादर में बहुत छोटी थी और वो बात मेरे ऐसे माइंड में बैठी कि आज पढ़ा रही हूं तो फिर याद आई कि तुम लोग पिक्चर देखने गए तो जब तुम देख रहे थे तब सुन रहे थे क्या, और जब तुम सुन रहे थे तो तुम देख रहे थे क्या। हमने मजाक में कह दिया, फिर तो पापा एक पिक्चर देखने की परमिशन और देना पड़ेगा आपको।
ये चीज हमने मार्क नहीं करी, लेकिन आप झूम पे भी बैठे हो तो विचार करिए, सोचिए, एक समय योग एक ही योग काम करता है। जब मनोयोग काम करेगा तो वचन योग का योग काम नहीं करेगा, और जब वचन योग काम करेगा तो मनोयोग का योग काम नहीं करेगा, और जो का योग काम करेगा तो मनोयोग वचन योग काम नहीं करेगा। एक समय में एक ही योग काम करता है। आप झूम पे बैठे हो, मुझे देख रहे हो, मुझे सुन भी रहे हो, लेकिन आप थोड़ा सा ध्यान देके देखिए कि जब आप मुझे सुन रहे होते हो तो मुझे देख रहे नहीं होते। थोड़ा सा ध्यान देंगे, जब पिक्चर हम देखते हैं कुछ चीज की स्क्रीन पे, तो जब हम उसको देखते हैं तो सुनते नहीं है, सुनते हैं तो देखते नहीं है। बहुत सूक्ष्म विषय है ये बहुत सूक्ष्म विषय है, लेकिन ये प्रयोग आप अवश्य करिए। अभी मैं आपको पढ़ा रही हूं, इस पेज पे ये सूत्र लिखा है, आप इस सूत्र को देख रहे हो तो मुझे सुन नहीं रहे, और मुझे सुन रहे हो तो देख नहीं रहे, और आपके मन में विचार भी चल रहा है कि अरे यार ये कैसे समझेंगे, अब समझ में आ गया, अब और अच्छे से समझना है, ये क्या है, ये विचार भी आपके मन में चल रहा, तो क्या हो गया, तीनों चीज आपकी चल रही है। शरीर से भी आप थोड़ी हलन चलन कर रहे हो, मन में भी विचार चल रहा है, मनोयोग भी है, और वचन से आप सूत्र पढ़ भी रहे हो, और शरीर से भी आपके ओठ आदि हिल रहे, हाथ हिल रहे, भूख आपके पास है, ये तीनों क्रिया चल रही है। मान लो कोई सामान हमारा चोरी करके लेके जा रहा है, हम उसके पीछे भाग रहे भाग रहे भाग रहे, और मन में सोच रहे मेरा सामान मिल जाना चाहिए, मनोयोग हो गया। शरीर से हम भाग दौड़ कर रहे हैं, काय योग हो गया, और वचन से हम बोल भी रहे हैं कि उसको मैं छोड़ूंगा नहीं, मैं देख लूंगा, मैं पकड़ के ही रहूंगा, तीनों योग चल रहे हैं। उस समय आप भाग रहे हो तो आपको क्या लग रहा है, हमारे तीनों योग काम कर रहे हैं, पर नहीं, आपका एक समय में एक ही योग काम कर रहा है। आप जिस समय मन में सोच रहे हो कि मुझे उसे पकड़ना है, मैं उसको देख लूंगा, छोड़ूंगा नहीं, जो आपके अंदर विचार चल रहे हैं, जो जिस समय आत्मा का उपयोग जहां है, आत्मा का प्रयोग जहां है, वो ही योग है उस समय का। मन में एकदम विचार आया, एक पल के लिए आप मन में घुसते हो, एक पल के लिए शरीर में घुसते हो, एक पल के बिल्कुल कम समय रहता है वो, और एक समय में एक ही योग चलता है। हमें ऐसा मालूम पड़ता है कि हमारे तीनों योग चल रहे हैं, तीनों योग में हलन चलन हो रही है। अभी भी आपको लग रहा है आप थोड़े पैर ऊपर नीचे कर रहे होंगे, तो देख भी रहे हैं सूत्र को, मुझे सुन भी रहे हैं, तो आपको लग रहा है हमारे तीनों योग चल रहे हैं, मन में विचार भी चल रहा है कि हाँ यार बहुत अच्छी चीज है ये छठा अध्याय, इतना अच्छा है, कितना अच्छा हम पढ़ रहे हैं, इतने सारे लोग एक साथ स्वाध्याय कर रहे हैं, सारी चीजें हमारे अंदर चल रही है, हमारे वचन भी चल रहे हैं, हम बोल भी रहे हैं, मैं बोल भी रही हूँ, मेरे अंदर ये बात भी चल रही है, और थोड़ा से हाथ वात हिल रहे हैं, शरीर की भी हलन चलन हो रही है। तो हम क्या सोच रहे हैं कि हमारे तीनों योग चल रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। एक समय में सूक्ष्म बात है, एक समय में एक ही योग काम करता है, तीनों एक एक साथ हो रहे हैं, तीनों योग एक साथ हो रहे हैं, लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा कि जब मनोयोग होता है तो वचन योग होगा, वचन योग हो रहा है तो काय योग होगा, काय योग हो रहा है तो मनोयोग होगा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। अन्य काय योग वचन योग कभी नहीं होंगे जब आपका मन योग चल रहा होगा। तो हमारे में नौ योग है, पर नौ में से भी जो सत्य वचन असत्य और उभय और अनुभय जो हमने देखे है, तो एक समय में एक ही योग होगा, तीन में से भी और नौ में से भी, एक से ज्यादा कभी किसी भी जीव के नहीं हो सकते। कोई चोर का जो उदाहरण मैंने दिया, तो जहां आत्मा का उपयोग होगा वही योग होगा। अभी आप लोग को ही अच्छी तरह समझ में आ गई होंगे, आप देख रहे हैं तो सुन नहीं रहे, सुन रहे हैं तो देख नहीं, कभी पिक्चर जाते होंगे, टीवी पे देखते होंगे, तो थोड़ा ध्यान देना सूक्ष्म विषय है, फिर हमने उस चीज को महसूस किया, हमारे फादर ने कहा, बड़े पापा ने, तो हमने उस चीज को महसूस कहा, हाँ यार जब देखते हैं तो सुनाई नहीं आता, और जब सुनते हैं तो दिखती नहीं है पिक्चर। आप भी थोड़ा सा गहनता से देखो, ये आप देख रहे हो तो मुझे सुन नहीं रहे, और मुझे सुन रही हो तो इधर आप
देख नहीं रहे हैं, यानी मन में जो सोच रहे हो तो सुन नहीं रहे। यदि मन में अपन कुछ सोचते हैं तो बाहर का सुनाई आता है क्या आपको? कोई कितना भी बड़बड़ कर रहे रहे, अपन अपने अंदर में मन में कोई विचार कर रहे हैं तो अपने को सुनाई नहीं आएगा। कोई बोलेगा चलो तो हमारी शरीर की भी क्रियाएं नहीं होती, हम चल भी नहीं पाते कई बार, ध्यान है ना। पर यहाँ हमेशा ही एक ही योग चलेगा आपका, भलाई तीन योग है, एक समय में एक ही योग होता है। तो इस प्रकार से यहाँ आपको समझ गया होगा कि मन योग, वचन योग और काय योग, मेरे ख्याल से इतना इतना ही ठीक है। बाकी थोड़ा सा और अपन देख सकते हैं कि एकेंद्री जीव के केवल काय योग होता है। एकेंद्री जीव का क्या होता है? केवल काय योग होता है। और दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री, असंगी तक क्या होता है? वचन योग और काय योग, दो योग हो गए। और हम जैसे पंचेंद्री संगी जीव जीवों के तीनों योग, मन, वचन और काय, तीनों योग होते हैं। और एक समय में जीव का एक ही योग होता है। जिस जाति की वर्गणाएं जब आत्मा में प्रवेश प्रदेश परिस्पंदन के कारण होती है, तब वही योग होता है। जो वर्गणाएं हमारी उस समय चल रही है आत्म प्रदेशों में परिस्पंदन में, वो ही योग होगा। ये यहाँ तक आपने समझ लिया। जो योग की बात है तो 13वें गुण स्थान तक इरियापद आश्रय होता है और निराश्रय है, पर वहां आश्रय वहां तक है। 14वें गुण स्थान में मन वचन काय कुछ नहीं है, मन वचन का है कुछ नहीं है, तो वहां पर जब वो है ही नहीं तो योग होगा ही नहीं। इसलिए 14वें गुण स्थान का नाम है अयोग केवली। आपने सुना होगा गुण स्थान के नाम में सयोग केवली, अयोग केवली। जहाँ योग ही खत्म हो गया 14वें गुण स्थान, तो वो अयोग केवली, 13 में सयोग केवली। इस प्रकार से हमने आज पहला कायवांग मणिकर्म योग पढ़ा। दूसरा सूत्र कल ले लेंगे, आज इतना ठीक है ना? इतना ठीक है आज। यहाँ तक हमने समझ लिया कि आत्मा के अनंत गुणों में एक योग गुण है और यह अनुजीवी गुण है। आत्मा के अनंत गुणों में एक योग गुण है और यह अनुजीवी गुण है। इसकी पर्याय में दो भेद है, परिस्पंदन रूप आत्म प्रदेशों में कंपन रूप और आत्म प्रदेशों की निश्चलता रूप निष्कंपन। जो योग है इसमें दो भेद है, इसकी पर्याय में दो भेद है, परिस्पंदन रूप और एक निष्कंप रूप, यानी कंपन होना और नहीं होना, योग गुण की अशुद्ध पर्याय। और दूसरा भेद योग गुण की शुद्ध पर्याय है। इस सूत्र में अशुद्ध पर्याय कंपन रूप को योग कहा गया है। इस प्रकार से आज हमने 14वें गुण स्थान का भी हमने बता दिए कि अयोग केवली है। अयोग केवली के तीनों प्रकार की वर्गणाओं का आना वहां रुक जाता है, इसलिए वहां योग का अभाव हो जाता है। इस प्रकार से आज हम पहला एक ही सूत्र लेते हैं, दूसरा और लेंगे तो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। तो काय वांग मन कर्म योगा, आज पहला दिन है, आश्रव समझना चाहिए आपको, इसलिए अपन यहीं तक लेंगे, इसलिए यहीं तक हम लेंगे। चलिए, क्योंकि सेकंड तो इसी से जुड़ा हुआ है, सह आश्रवः, वही आश्रव है, ये तो बिल्कुल साथ में ही जुड़ा हुआ है। हाँ जरा जुड़ा है, लेकिन अपन इसको कल ले लेंगे, समझना पड़ेगा। है तो अच्छा दोनों एक ही चीज है। कि अब आश्रव किसे कहते हैं, अब आश्रव किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा तो मैंने बता ही दी कि हाँ वहां जी योग ही आश्रव है। बोलेंगे तो ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। स आश्रवा पढ़ भी सकते, पढ़ो स आश्रवा, आश्रवः पढ़ो स आश्रवः स आश्रव। आश्रवः हाँ पढ़े सरोज बाला जी, पढ़ो स आश्रवः स आश्रव, बहुत सुंदर संधि विच्छेद। स प्लस आश्रव, ये दो बिंदु जो है विसर्ग, इसका उच्चारण ह होगा। स यानी वह, वह योग जो पिछले सूत्र में कहा था, आश्रव यानी आश्रव यानी आना। अभी मैंने आपको आश्रव की परिभाषा भी बता दी थी, समझा दी थी कि आश्रव
क्या है? आश्रव यानी आना, आत्मा को जानने का जो प्रयोजन है यानी आत्मा में उत्पन्न होने वाली क्या बुरी आदत है, आत्मा में उत्पन्न होने वाली क्या बुरी आदत है जिनसे हमारा कोई प्रयोजन नहीं, अहित ही होता है, उनको जानकर उनसे छुटकारा पाना, उससे छुटकारा पाना ही हमारा कल्याण हो सकता है। उससे छुटकारा पाना ही हमारा कल्याण है, या उससे छुटकारा पाने पाएंगे तभी हमारा कल्याण हो सकता है। आत्मा को जानने का क्या प्रयोजन और आत्मा में उत्पन्न होने वाली क्या बुरी आदतें हैं, क्या बुरी चीज है जिनसे हमारा हित होता है? क्रोध मान माया लोभ विभाव परिणाम जो है उससे हमारा हित होता है, और स्वभाव परिणाम जो है उससे हमारा हित होता है। इन चीजों को जानना, उनसे छुटकारा पाना, तभी हम उस अपने आत्मा का कल्याण कर पाएंगे। स स माने वह, वह योग ही आश्रव है जो ऊपर हमने अभी पढ़ा था, जो पहले सूत्र में मन वचन काय की क्रिया के कारण होने वाला आत्म प्रदेशों में परिस्पंदन, उसे हमने योग कहा था। योग ही आश्रव है। आश्रव की परिभाषा क्या हो गई? कर्मों के आने के द्वार को आश्रव कहते हैं। अब किन द्वारों से कर्म आते हैं तो वो भी हमने पढ़ा था, मन वचन काय सामान्य से 3 और 15, 15 प्रकार का योग, उससे कर्म आते हैं। ये अभी हमने आपको समझाया कि उससे कर्म, कर्म का आश्रय होता है। जैसे कर्मों के आने को आश्रय कहते हैं, उसी प्रकार 15 प्रकार के योग के माध्यम से कर्मों का आश्रय होता है। इसलिए ये 15 प्रकार का योग जो अभी हमने आपको समझाया, 15 प्रकार का योग, स आश्रव उससे मिला हुआ ही है सर। जिस प्रकार से स आश्रव ने, हमने भी बताया था आपको, कुएं के भीतर से पानी आने में झीरे कारणभूत होते हैं, है ना, छोटी छोटी झरनी रहती है, उससे पानी कुएं में आता रहता है। उसी प्रकार आत्मा में भी कर्म आने में योग कारण है। मन वचन और काय के माध्यम से ही हमारा कर्माश्रव होता है। आश्रव के द्वार की उपमा दी गई। जिस प्रकार नाले आदि के मुख द्वारा सरोवर में पानी आते रहता है इधर से उधर से कुओं में, योग द्वारा ही कर्म और नौकर्म वर्गणाओं का ग्रहण होकर उनका आत्मा से संबंध होता है। हम जो ग्रहण करते हैं नौकर्म के माध्यम से, हमारे आत्मा को छोड़कर जितनी भी चीजें दिख रही सब नौकर्म है, शरीर आदि पुत्र वगैरह ये सब चीजें, और वो जो आत्मा ग्रहण हमारा करता है, नौकर्म वर्गणाओं को जो ग्रहण करता है उनका आत्मा से संबंध होता है, इसलिए योग को आश्रव कहा गया है। जितनी भी आत्मा को छोड़ के चीजें दिख रही है ना, सारी की सारी नौकर्म वर्गणाए है और उनका आत्मा से संबंध होता है, इसलिए योग को आश्रव कहा है। चैतन्य आत्मा का मन वचन काय से जुड़ना सो कर्म आने का कारण है। जो हमारी चैतन्य आत्मा है, मन वचन और काय से जुड़ जाना, आत्मा का उससे जुड़ जाना, मिली जुली दोनों की भगत, जीव और अजीव की, तो जुड़, उनसे जुड़ जाने का कारण योग है, अर्थात जुड़ना भी है। सो जब आत्मा के भाव मन वचन काय रूप होते हैं या उनसे जुड़ते हैं, तभी आत्मा में हलन चलन होती है। कोई भी चीज टकराएंगी तो आवाज तो होंगी। हमारे किचन में 2 बर्तन है, एक अकेला पड़ा है तो कैसा है वो, कुछ नहीं हो रहा है। अरे 2 बर्तन टकरा गए तो आवाज होती है ना। इसी प्रकार से हमारे आत्मा में जो नौकर्म शरीर आदि पुत्र आदि से हम ग्रहण कर रहे हैं, मन वचन काय योग के माध्यम से ग्रहण कर रहे हैं, फिर वो आत्मा से टकराते हैं तो हलन चलन होती है, परिस्पंदन होता है, वही कर्मों के आने का कारण है। चैतन्य भाव से भावबंध और पुद्गल मन वचन काय का पुद्गल मन वचन काय से द्रव्यबंध होता है। जैसा जैसा हम भाव करते हैं वैसा वैसा हमारा संस्कार बनता जाता है, वैसी वैसी हमारी आदत बनती रहती है। संस्कार बनना यानी क्या? आदत बनना, वो अच्छी भी हो सकती है बुरी भी हो सकती है, जैसे हम भाव करेंगे अपने अंदर। देखो भाव ही में ही पहले भवन बनता है। आपने भाव में सोचा कि मेरा घर ऐसे होना चाहिए,
आपने ये भाव किए मेरा घर ऐसे बनना चाहिए, तो भावों में पहले बना आपका, तो कोई भी संस्कार पहले आपके भाव में चलते हैं और फिर बाद में वो द्रव्य रूप परिणमित होते हैं। जैसे आप भाव करेंगे, भावना भवनाशिनी, भाव नाश की भावना करोगे तो आपके भाव भी नाश होंगे। जैसे भाव आपके अंदर चलते हैं वैसे ही संस्कार आपके अंदर पड़ते हैं। आप पॉजिटिव सोचोगे पॉजिटिव बनोगे, निगेटिव सोचोगे निगेटिव बनेंगे। बी पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव सोचो, अच्छा सोचो तो आपके संस्कार अच्छे रहेंगे। वो कर भला तो हो भला, दूसरे के बारे में अच्छा करने का सोचोगे तो आपका भी अच्छा ही होगा। आपने एक दीवार पे बॉल मारी तो लौट के बॉल ही आएंगी। आप सोचोगे मैं दीवार पे बॉल मारूं और लड्डू वापस आ जाए, ऐसा होगा क्या? नहीं होगा। तो जो चीज हम फेंकेंगे वो ही वापस आएंगी, इसलिए हमें अच्छा अच्छा फेंकना है। हम जैसे वचन मन से निकालेंगे, क्योंकि जो जा रहा है वो कर्म है, जो हमारे मन वचन काय से जा रहा है वो कर्म है, और जो आ रहा है वो हमारा भाग्य है। तो जैसा हमारा भाव बनता है वैसी वैसी तस्वीरें हमारे दिमाग के कैमरे में उतरती है, और वही तस्वीरें वही नजारे हमारे सामने आते रहते हैं, फिर हमारी याद ताजी हो जाती है, इससे हमारी वो आदतें वो संस्कार फिर प्रकट हो जाते हैं। वो हमारे संस्कार हमारी आदतें हमारे भाव आश्रव है, वही आदतें वही संस्कार क्या हो गया? भाव आश्रव हो गया, जो दिमाग का कैमरा तस्वीरों की फाइलों को इकट्ठा करता रहता है वो पुद्गल स्कंध है, वही भाव आश्रव हो गया। भाव अंदर में जो भाव चल रहे हैं वो जो कैमरा तस्वीर ले रहा है वो भाव आश्रव, हमारे पूरे माइंड में सारी चीजें पूरी ताजा हो रही पिक्चर, हमने ये किया ये किया ये किया, ये जो हमारे भाव अंदर चल रहे जो हम देख रहे हैं वो सारी चीजें हमारी भाव आश्रव हो गया। जीव का शुद्ध परिणमन ज्ञाता दृष्टा बनकर रहना मात्र है, उसके विकृत परिणमन जो है वो राग देश रूप है, दोनों प्रकार के परिणमन उपयोग कहलाते हैं। जब हमारा चैतन्य स्वभाव अशुभ उपयोग से जुड़ता है, मन वचन काय की प्रवृत्ति जब संसार के विकार विषयों में होती है तो अशुभ कर्म आते हैं। शुभ और अशुभ दो आश्रव है मेन, लेकिन उसके भेद है 57। हम इसमें पढ़ते हैं ना, 12 भावना में हम पढ़ते हैं, जो सरजल आवत मोरी तो आश्रव कर्मण को, दर्वित जीव प्रदेश गए जब पुद्गल भर मन को, भावित आश्रव भाव सुभा शुभ निस दिन चेतन को। भाव आश्रव आगे ना शुभ अशुभ, भावित आश्रव भाव शुभा शुभ निज दिन चेतन को। 7 नंबर की भावना में आपको सब मिल जाएगा, पाप पुण्य के दोनों करता कारण बंधन को, ये तीसरे सूत्र में आएंगी ये लाइन। पन मिथ्यात्व योग 15 द्वादश अविरत जानो, पन मिथ्यात्व योग 15, इसमें 15 योग की भी बात आ गई। पंचरु बीस कसाय मिले सब 57 मानो, 57 आश्रव है, पण मिथ्यात् 5 मिथ्यात् 15 योग 20 हो गए, पंचरु 20 यानी 20 25 कसाय कितने हो गए, और इन सब मिल के 57 मानो, 57 प्रकार के द्वादश अविरत यानी 12 प्रकार के अविरत इसे 57 आश्रव होते हैं। आगे आगे सब आएंगे इसके भेद। मोह भाव की ममता तारे पर परिणत होते, करे मोक का यतन निराश्रव ज्ञानी जन होते, और आगे आगे ये सब चीजें आएंगी तो आपको समझ में आएगा। तो मन वचन काय की प्रवृत्ति जब संसार के विकार विषय में होती है, विकार विषय यानी विभाव परिणाम में होती है, मोह राग देश क्रोध मान माया लोप आदि विकारी विषयों में होती है, अशुभ कर्म। दीपा जी आपकी माइक बंद कर दीजिए, आवाज बहुत हो रही। तो चैतन्य शुभ योग से जुड़ता, मन वचन काय की प्रवृत्ति आत्मा परमात्मा के गुणों के विचारों में भक्ति स्वाध्याय संयम तथा दानादि में लगती है,
तो उससे शुभ कर्म आते हैं और इस प्रकार शुभाशुभ भाव आश्रव व बंध के कारण है। अब भी जो लाइन हमने पढ़ी ना, शुभ और भावित आश्रव भाव शुभा शुभ निष्दिन चेतन को, निष्दिन शुभ अशुभ भाव चल रहा है। रात में आप कर्म लेखा जोखा करिए कि सुबह से शाम तक हमारे कौन से भाव अशुभ थे और कौन से भाव हमारे शुभ थे। मन वचन काय की प्रवृत्ति आत्मा परमात्मा के गुणों के विचारों में भक्ति स्वाध्याय संयम दान आदि कर रहे हैं, ये सब शुभ हो गया। और अशुभ क्या हो गया? जो विकारी भाव राग देश कर रहे हैं, क्रोध मान माया लोक कर रहे हैं, ये सब अशुभ भाव हो गया। आश्रव को अब जानने का हमारा प्रयोजन क्या था? हम इतने देर से बात कर रहे हैं आश्रव की, तो आत्मा में उत्पन्न होने वाली क्या चीज बुरी है, क्या आदत अच्छी है, किससे हमारा हित हो सकता, किससे हमारा अहित हो सकता, हित अहित को जानना, उनको जानकर उनसे छुटकारा पाना, तभी हम अपना कल्याण कर सकते। इसलिए हमें आश्रव को जानना जरूरी है और छठा अध्याय पढ़ना, छठा हुआ छठा अध्याय हमारा पढ़ना और जीवन में उतारना, दोनों भी इसलिए बहुत 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 जरूरी है, तभी हम बुरे कर्मों को रोक पाएंगे। तो हमने अभी पढ़ी कर्मों के आने के द्वार को और 15 आश्रव कहते हैं, 15 प्रकार के योग आदि हमने पढ़ लिए, और योग को आश्रव कहते हैं। कालमान वर्गनाओ कर्म रूप परिणमन करना आश्रव है। मन वचन काय की क्रिया होने से जो आत्म प्रदेशों में परिस्पंदन होता है वह आश्रव है। उस परिस्पंदन के कारण कालमान वर्गनाएं कर्म रूप परिणमन करती है, इसलिए कालमान वर्गना का कर्म रूप परिणमन करना भी आश्रव है। और आश्रव की परिभाषा भी हमने पढ़ ली। और ऐसा कोई समय है क्या, सोचो आप थोड़ा, ऐसा कोई समय है कि जब आपके मन वचन काय की क्रिया नहीं हो रही है? क्या ऐसा कोई समय? ऐसा कोई समय नहीं है। हम मान लो सो रहे हैं, तो सो रहे हैं गहरी निद्रा में, बिल्कुल मन में भी कुछ नहीं चल रहा, मन भी शांत है, वचन में भी कुछ नहीं चल रहा, वचन भी शांत है, काया जो है वो भी हमें शांत ही दिख रही, कुछ नहीं कर रहे, शरीर में भी कोई क्रिया नहीं होती दिख रही है, तो क्या उस समय कोई योग नहीं चल रहा है? थोड़ा उदाहरण से आप समझिए। हम कह रहे हैं कि प्रति समय मन वचन काय किसी न किसी की क्रिया प्रति समय होती है, 24 घंटे में हर समय प्रति समय कोई ना कोई क्रिया हो रही। लेकिन हम कह रहे हैं कि गहरे नींद में सोए हैं, शरीर भी नहीं मिल रहा, मन भी कुछ नहीं सोच रहा, वचन भी कुछ नहीं, तो ऐसा होता है क्या कि मन वचन काय की क्रिया नहीं हो रही? अरे भाई, यदि मन वचन काय की एक समय के भी लिए कोई क्रिया नहीं होगी तो 14वां गुणस्थान हो गया। यदि मन वचन काय की क्रिया रुक गई तो फिर तो हम सिद्ध ही बन गए। हर समय आत्मा एक शरीर को छोड़कर नया शरीर जब लेती है तो वो जो विग्रह गति में होती है तब भी कुछ ना कुछ चल रहा है। हर समय स आश्रम, हर समय कुछ तो कुछ क्रिया हलन चलन हो रही है हमारी। हम सोए हैं तो भी हमें लगता है कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन कुछ न कुछ हमारे शरीर में क्रियाएं उस समय चल रही है। शरीर बढ़ रहा है कि नहीं, आपको पता चल रहा है क्या? बढ़ रहा है, हम मानते हैं, लेकिन हमारी उम्र बढ़ रही है, हम मानते हैं बढ़ रही, पर बढ़ रही है क्या? कर रहा मिथ्यात्व संग रंग रैलिया, दूर होती जा रही है खूबिया, उम्र घटती जा रही है बावले, जिसको तू हर रोज बढ़ती मानता। उस समय भी उम्र घट रही है, बढ़ रही है, कुछ न कुछ क्रिया तो हो रही है शरीर। हर समय मन वचन काय की कोई न कोई क्रिया अवश्य ही हो रही है। इस प्रकार से हमने अस आश्रवा भी ले लिए। इसमें आगे और योग हमने पढ़े, भाव योग, द्रव्य योग, कर्म नो कर्म को ग्रहण करने की जीव की शक्ति, आत्म प्रदेशों में परिस्पंदन, निमित्त वन वचन काय की चेष्टा, ये हमने पढ़ा। उसके बाद हमने क्या पढ़ा? योग शरीर वचन और मन की क्रिया करने के लिए उस क्रिया का अभिमुख जो आत्म प्रदेशों में परिस्पंदन है वह योग है, हमने ये पढ़ा। क्या क्या पढ़ा आप देख लो। काय वचन और मन, काय की क्रिया के लिए
जो पर्यंत होता है उस काय योग कहते हैं। वचन की क्रिया से जो चीज होती है वचन योग, मन से जो होता है वो बाह्य पदार्थों के चिंतन में प्रवृत्त हुए मन से उत्पन्न जीव प्रदोषों के परिस्पंदन मनोयोग। हमने इसकी तीनों की बहुत अच्छी परिभाषा आपको लिखवा दी है। सादी स्वभाव योग गुण जो है स्वभाव पर्याय भी है, विभाव पर्याय भी है। स्वभाव पर्याय यानी जो 14वां गुण स्थान हमने बताया कि निष्कंप अवस्था, वहां पे कोई कंपन परिस्पंदन हलन चलन नहीं है। विभाव पर्याय 1 से 13वें गुण स्थान वर्ती, वहां पर कंपन है। योग आत्म प्रदेशों का परिस्पंदन है और वही आश्रव है। कारण और निमित्त, कारण निमित्त द्रव्य योग, कार्य क्या हो गया कर्मों का आना। नाव में जल आने का चित्र हमने बताया था, जैसे जल का आना। और क्या बताया है इसमें, कर्मों का आना, उपादान निमित्त कार्य फल। भाव योग मन वचन काय की चेष्टा, द्रव्य योग द्रव्यास्तव कर्मों का आना। फल क्या हो गया उपादान भाव योग, निमित्त क्या हो गया मन वचन काय की चेष्टा, कार्य क्या हो गया द्रव्य योग, फल क्या हो गया द्रव्यास्तव कर्मों का आना। निमित्त पक्ष योग के भेद, हमने पूरे भेद आपको सब समझा दिए हैं। योग को ही आश्रव का कारण क्यों कहा, मिथ्यात्वादी को आश्रव का कारण क्यों नहीं कहते, क्योंकि योग 1 से 13 गुण स्थान तक पाया जाता है, जबकि मिथ्यात्वादी सभी में नहीं पाए जाते। मिथ्यात्वादी आश्रव के कारण कैसे नहीं, मिथ्यात्व पहला गुण स्थान तक ही पाया जाता है, पहला गुण स्थान का नाम मिथ्यात्व है। उसके आगे मिथ्यात्व बिना आश्रव के कैसे घटित होता है, अविरति 4थे गुण स्थान तक पाए जाते हैं, प्रमाद 6वें गुण स्थान तक पाया जाता है, कसाय 10वें गुण स्थान तक, संज्वलन लोभ कसाय रहती है 10वें गुण स्थान में, योग 13वें गुण स्थान तक पाया जाता है। अपन गुण स्थान पढ़ेंगे जब इसको डिटेल में पढ़ेंगे। तीसरा जो है कि अब आश्रव का स्वरूप कैसा है, शुभ अशुभ पुण्य पाप रूप कैसा है, ये हम कल पढ़ेंगे। आज हमारे 2 सूत्र हो गए। चलो काय वांग मंड कर्म योग और स आश्रवा, 2 चीज आपको बहुत अच्छी तरह से समझी होंगी। इतने सारे लोग जब एक साथ पढ़ते हैं तो सभी की शुद्ध 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 वर्गणाएं इस समय चलती रहती है, किसी के मन में कोई कषाय भाव नहीं चलते हैं, सब आंशिक रूप से कषाय किया, सब क्या हो जाता है मंदता चलती है। और इतने सारे लोगों की वर्गणाएं इस समय एक सी है कि हमें सीखना है सीखना है सीखना है। सबके मन वचन काय में क्या चल रहा है, काय से भी स्थिर बैठ रहा है, मन में भी चल रहा है कि हमें ये सीखना है, वचन से भी हम उसको बोल के सीख रहे हैं। तीनों प्रवृत्ति हम कर रहे हैं लेकिन वो एक साथ नहीं होती, एक समय में एक ही होती है। तो इस प्रकार से जो शुभ वर्गणाएं चल रही, इसके वजह से हमारे माइंड में सारी पिक्चर बहुत जल्दी क्लियर होती है। जितने ज्यादा लोग सीखते हैं तो उतना मल्टीपल होके पॉजिटिविटी पॉजिटिव पूरा हमारे अंदर वर्गणाएं आती है। आसपास की सब वर्गणाएं कैसी है, अभी ना कोई पिक्चर देख रहा, ना कोई खा रहा, ना कोई कोई पी रहा, ना कोई कुछ कर रहा, तो सब वर्गणाएं इस समय हमारी शुद्ध शुभ शुभ वर्गणाएं, तो सब हमारा शुभ होने से हमारे अंदर एकाग्रता बढ़ती है और वो जिनवानी श्रवण हम अच्छे से समझ सकते हैं। जिनवानी स्तुति करें। निज निधि निज में बताई यहाँ अनंत उपकार है, इसलिए जिनवानी माँ को वंदना सतबार है, इसलिए जिनवानी माँ को वंदना सतबार। बोलिए द्वादशांग जिनवानी माता। दीदी एक प्राकृत की स्तुति महाराज जी ने लिखी हुई है, सुनील सागर महाराज जी ने, वो बोलूं दो दो लाइन की है। एक मिनट, हाँ अच्छा चलो बोल दो दो लाइन। सरस्वती, हाँ सरस्वती स्तुति है प्राकृत भाषा में। सत्य तच नव पाय अथाणम छत्तव पंचथिकायाणम सियावादने केव नयानम जिनवाणी कारे जदिनानम बार संग अणु योग धारिणी भवि जीवाणम मोद कारिणी पढ़दि सुनदि जो चित करेदि भव दुखाणम नाणम कुणदि भव दुखाणम नासम कुणदि। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया।
यहाँ पर समय सार के बाद महाराष्ट्र यही वाली स्तुति बोलते हैं। अच्छा, बहुत अच्छी संस्कृत की स्तुति दीपाली ने बोली, एक सूचना नहीं, का प्राकृत देना। के, ये प्राकृत आचार्य है, प्राकृत की ही चलती है इनके यहाँ ज्यादातर। एक सूचना आपको, हमने मैसी जैन साहब से रेखा जी के अंतिम दर्शन का कहा था, तो 3 तारीख को रात के 12 बजे रहेंगे अपने यहाँ, उस समय वो दर्शन हमें होंगे। इसका मैसेज बना है, एक मैसेज मैं आपको पढ़ के सुना देती हूँ, और जिसे भी उनकी श्रद्धांजलि के लिए वीडियो बना के देना हो तो अपने 2-2 मिनट के श्रद्धांजलि के वीडियो आप भेज सकते हो मेरे पास, तो मैं एससी जैन साहब को फॉरवर्ड कर दूंगी। आप लोगों को यदि देना है, रेखा जी के लिए श्रद्धांजलि बोलना है, तो आप अपने वीडियो बनाकर दे दीजिए, है ना, 2-2 मिनट के वीडियो बना के आप दे दीजिए। वो डायरेक्ट लाइव होगा, जूम पे नहीं होगा वो। एक मिनट, जब खुल रहा है व्हाट्सएप, तो मैं आपको बता देती हूँ, व्हाट्सएप में उनका मैसेज बन के आ गया है, डाल भी दूंगी सब ग्रुप में, सब ग्रुप में भी हम डाल देंगे। डियर मदर, जैसा आप सभी को मालूम है कि हम सबकी प्यारी टीचर रेखा जी का देह परिवर्तन 28/7/23 को अमेरिका में हो गया है। उनकी स्मृति में शोक सभा 3 अगस्त को होंगी, शोक सभा होंगी 3 अगस्त को। जो भी चिल्ड्रन अपनी रेखा आंटी के बारे में कुछ भी कहना चाहते हो, उसकी छोटी सी वीडियो 1 मिनट तक, 1 मिनट की बनाकर रेखा आंटी के पर्सनल नंबर पर व्हाट्सएप आज 1 अगस्त को 6 PM तक भेज दो। बच्चों के लिए है ये, इस वीडियो को दिखाया जा सके 1 मिनट का, जिन जिन के बच्चे पाठशाला में है, बच्चों के लिए आया है ये मैसेज, कि उनके बच्चे जो पाठशाला में पढ़ते थे वो सब लोग 1-1 मिनट का, जो भी उनकी मम्मियां यहाँ पर है, वो अपने बच्चों के 1-1 मिनट के वीडियो 6 PM तक 1 अगस्त को, 1 अगस्त आज ही है ना कि कल है, 1 तारीख आज है ना, आज ही है ना, आज शाम तक, आज शाम तक, जिनके भी बच्चे पाठशाला में जुड़े हैं, सिर्फ पाठशाला के बच्चों के लिए कहा है उन्होंने, अपन लोगों को नहीं कहा है, तो पाठशाला के बच्चे 1-1 मिनट के वीडियो बना के भेज दें, ठीक है। चलिए प्रतिक्रमण करेंगे, प्रतिक्रमण करेंगे। अच्छा, इसका नंबर आपको दिखा नहीं होगा ना, शेयर नहीं की मैंने। 1 मिनट, हाँ ये नंबर है, रेखा जी का नंबर तो प्राय सबके पास है ही है, ये देखिए 7011831798 पर व्हाट्सएप आप भेज सकते हैं। हाँ प्रतिक्रमण। हे प्रभु अरिहंत देव, मुझसे मन वचन काया द्वारा कृत कार्य अनुमोदना द्वारा संभ्रम समारंभ आरंभ द्वारा क्रोध मान माया लोभ द्वारा प्रमाद इत्यादि विभावों द्वारा इस भाव में या पूर्व भाव में सच्चे देवशास्त्र गुरु की अभिनय हुई हो, व्रतों में अतिक्रम व्रतिक्रम अतिचार अनाचार का दोष लगाया हो, एकेंद्रीय से लेके पचेंद्रीय तक किसी भी जीव की हिंसा की हो, विराधना की हो, दिन या रात में लगाए सभी दोषों का मैं पश्चाताप करता हूँ प्रभु, सभी दोषों का मैं पश्चाताप करता हूँ। जिन जिन जीवों को मैंने अपने जीवन के सफर के अंदर कष्ट पहुंचाया, उन सब से मैं आपको साक्षी मानकर प्रभु क्षमा मांगता हूँ, क्षमा मांगती हूँ, क्षमा मांगती हूँ। सभी जीव मुझे क्षमा करें, सभी जीव मुझे क्षमा करें, और इस दौरान अगर किसी ने मेरे को दुख पहुंचाया, मैं सभी को क्षमा करती हूँ और आपसे निवेदन करती हूँ प्रभु, इन सबको अपनी शरण में लेकर के उनको मार्ग प्रशस्त करें और सही मार्ग पर चलते हुए अपना कल्याण करें प्रभु, यही प्रार्थना करते हैं। एकेंद्र से लेकर पचेंद्र तक के सभी जीव जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से हमारे जीवन में सहायक बने हुए हैं डेली लाइफ के अंदर, उन सबको मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु, जिनके कारण मेरा जीवन सुचारू रूप से चल रहा है।
इस जूम आईडी को पूरा बहुत बहुत धन्यवाद, जिसके कारण हमारे ज्ञान में वृद्धि हो रही है और हम सब एक साथ बैठकर सामायिक और जो भी पाठ वगैरह कर रहे हैं उसका पुण्योदय प्राप्त हो रहा है। और सभी जीवों से मैं क्षमा चाहती हूँ प्रभु, अगर मुझसे कुछ भी गलती हुई हो तो मुझे क्षमा करें प्रभु, क्षमा करें, क्षमा करें। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम शांति ही शांति ही शांति ही। बोलो अरिहंत भगवान की जय हो, जय हो, जय। सबसे क्षमा, सबको क्षमा, उत्तम क्षमा।